इधर नहीं, कैमरा खराब तुरंत हो जाएगा। उधर अरे जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और हम आज जो है इस विद्यालय में मौजूद हैं और तमाम छोटे छोटे बच्चे सब शिक्षक दिवस के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी लड़कियां आप लोग साल ले खड़ी हो, एक मिनट रुके रहे मार साहब, काटिए मार साहब। बहुत बड़े हो, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनो, बहुत बढ़िया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर क्षेत्र के मैं तमाम विद्यालयों में गया और उसी क्रम में आपके विद्यालय में देखा तमाम बच्चे जो है यहाँ पर उपस्थित थे। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या कुछ बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए या एक अध्यापक का क्या कार्य गतिविधि होना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा बताइए। धन्यवाद। पहले आप अपना शुभ परिचय। अभिनव सिंह, मैं आशीष कुमार सिंह विद्यालय प्रबंधक हूँ और पहले तो आज 5 सितंबर के दिन आपको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ कि जो आप विद्यालय पर आए। हर वर्ष आप आते हैं मेरे यहाँ और आज 5 सितंबर है और आज के दिन जो है हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे
डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिवस था, उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर जो है यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी एक शिक्षक रहे और उनको एक शिक्षक की पीड़ा पता थी कि एक देश अच्छे समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे देश के निर्माण के लिए सबसे अहम भूमिका शिक्षक की होती है। क्योंकि आप एक पंक्ति शायद आपको पता होगी, पढ़े होंगे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो किसी ने कहा कि ईश्वर से भी बड़ा गुरु होता है। गुरु का मतलब जो बच्चों को ज्ञान देता है, जो बच्चों को सीख देता है, जो बच्चों को सिखाता है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है और एक अच्छा अध्यापक ही एक अच्छे बच्चे का निर्माण करता है। और आज 5 सितंबर के दिन आप देख रहे हैं बच्चे बड़े उत्साहित हैं। सवेरे से बच्चों ने कहा सर आज हर अध्यापक, हर क्लास टीचर को केक के माध्यम से केक लाए, बच्चे सवेरे से अध्यापक को केक कटवाए और सारे अध्यापकों को सम्मानित किए। और एक अध्यापक एक मोमबत्ती के समान होता है, वह स्वयं अपने को जल कर बच्चों को प्रकाशमान करता है। जिस तरीके से एक दिया जलता है, स्वयं जलता है, अपने प्रकाश से सबको प्रकाशमान करता है, उसी तरीके से एक अच्छे अध्यापक का यही गुण होना चाहिए कि अपने विद्यालय में एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करे। धन्यवाद। इसी क्रम में और शिक्षक गण मौजूद हैं, इनसे जानना चाहता हूँ। जैसे देखा जाता है कि बच्चों का जो है माता पिता के अलावा दूसरे शिक्षक गुरु के रूप में जो है शिक्षक माने जाते हैं, तो एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है बच्चों के प्रति, आप बताने का कष्ट करें। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं शिक्षक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ, तो मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि प्रथम शिक्षा उनके माता पिता होते हैं, जो गुरु को हमसे पहले उनकी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे बच्चों को माता पिता की जानकारी, चाचा चाची, भाई बहन इत्यादि की जानकारी उनके माता पिता के द्वारा होती है, तत्पश्चात वो बच्चे हमारे विद्यालय तक पहुंचते हैं। तो हम अपने माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छे संस्कार दे करके उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि बच्चे आगे बढ़ करके अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, साथ ही साथ विद्यालय का और हमारा नाम भी रोशन करें। धन्यवाद। इसी क्रम में और भी तमाम शिक्षक गण मौजूद हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं। पहले की अपेक्षा जो है शिक्षा पद्धति को लेकर, हाँ, आज के परिवेश में कैसे शिक्षा एक मतलब विद्यार्थी को देनी चाहिए, इसके विषय में थोड़ा बताइए। विद्यार्थी को सर उनको एकदम फ्रेश माइंड से एक ठीक ठाक शिक्षा देनी चाहिए। हमारे हिसाब से लगता है कि बच्चों को बहुत स्मूथली पढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं हो, वो काम उनको वही देना चाहिए जो डेली के डेली आपको करके दे दें। ठीक है, धन्यवाद। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव होता है जब वहाँ के विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चे आगे बढ़ें, और इसके लिए हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे राधा कृष्णन जी जो थे उनसे प्रेरणा लेकर विद्यालयी वातावरण को स्वस्थ और सुसंस्कृतमय बनाना चाहिए, और बच्चों को जो है अपनी मातृभाषा में और अपने संस्कारों को पल्लवित करना चाहिए। आपका शुभ परिचय। मेरा श्री प्रकाश यादव। धन्यवाद। आज के परिवेश में एक अच्छी उचित शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके विषय में थोड़ा बताइए। शिक्षक को तो पहले सर जो है प्रबंधक के द्वारा आपको धन्यवाद दिया जाता है, और इस विद्यालय के तरफ से भी शिक्षक को जो है बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया जाए जिससे उनके संस्कार के साथ साथ उनका विकास हो सके, पूर्ण विकास, संपूर्ण विकास के लिए उनकी मानसिक स्थिति तथा शारीरिक स्थिति को भी जरूरी होना है, तभी उनका विकास हो पाएगा। क्योंकि संसार में आज जो डेवलपमेंट संस्थाएं हैं या डेवलपमेंट कंट्रियां हैं, वहाँ शारीरिक संस्थाओं के साथ साथ शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी दिया जाता है। अगर उनका मानसिक विकास दिया जाएगा साथ साथ शारीरिक विकास, तभी उनका विकास हो सकता है। धन्यवाद।